ओम शांति। आज इस तपोवन के पवित्र सभागार में उपस्थित हमारे भ्राता जी, और शायद मैंने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कार्य किए थे तो आज हमें दुलारी दीदी का स्नेह प्राप्त हो रहा है। माता जी तो मेरी नहीं है, लेकिन दीदी जब हाथ पकड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि वही मेरा हाथ पकड़े हुए हैं, इतना स्नेहिल उनका स्पर्श है। साथ में यहाँ सभागार में उपस्थित सभी बहनें और भाइयों को मैं वंदन और अभिनंदन करती हूँ। वो मुझसे मैंने आप लोग इतनी पवित्र आत्मा है पे उपस्थित होने की प्रेरणा मिली है। आज जबकि पूरा समाज आधुनिकता की दौड़ जो एक अंधी दौड़ है उसमें भागता जा रहा है, आज इस तपोवन में खासतौर से मैं देख रही हूँ बहनों की उपस्थिति ज्यादा है। अभी हमारी जो बहन बोल रही थी वो एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था, नारी सशक्तिकरण। तो आज अगर धर्म जिंदा है या जो भी हमारे संस्कृति जिंदा है तो आप सब बहनों के बल पर ही यहाँ पे जिंदा है। जिस तरह आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित होकर के, मैंने भी थोड़ी देर ही बैठी मैं यहाँ पे, और योग की जो निद्रा होती है उसकी अनुभूति मुझे हुई यहाँ पे। मैं अभी स्वयं में योग करती हूँ, सुबह थोड़े समय में योग में देती हूँ, लेकिन ध्यान लगाना बड़ा मुश्किल काम होता है। ध्यान में लगाने की कोशिश करती हूँ लेकिन कर नहीं पाती हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ी देर में ही 15 मिनट में ही लग रहा था कि मैं ध्यान में चली गई हूँ। और उसके बाद जो एक हल्कापन, जो एक विचारों की एक श्रृंखला और विचारों में एक स्पष्ट विचार और हमें क्या करना है, ये सब यहाँ पे आकर के एक नई ऊर्जा का संचार हो गया है। आज मेरा परिचय इस रूप में दिया जाता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष हूँ, लेकिन ये राजनीतिक मंच नहीं है। लेकिन जब अगर परिचय ही भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में दिया गया है तो मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि परिचय जरूर मेरा है इस तरह का कि मैं भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी राजनीति नहीं आएगी, समाज को बदलने आएगी, और वो समाज हम आप सब संतों के रूप में, आप सब भ्राता और बहनों के रूप में साथ लेकर के जो हमारी एक यात्रा है उसमें आप सब लोग उसी तरह योगदान दे रहे हैं कि भारत को अपने आप को एक परम वैभव में पहुंचाना है, जहां हमारा पुरातन भारत था, पुरानी संस्कृति थी कि सर्वे संतो सुखिना, सर्वे संतो निरामया, सर्वे भद्राण पश्यन्ति मां कश्चित् भार्गवे, इस तरह की वस्तुओं को टुमकम की जो बात थी वही लेकर के आप सब लोग यहाँ पे बैठे हुए, जो ब्रह्म कुमारी का है ये मुझे देखने में भी बहुत अच्छा लगता है कि नारी सशक्तिकरण वास्तव में यहीं पे है। सभी कुछ बहनों के द्वारा ही मैनेज होता है, सभी कुछ बहनों के द्वारा ही संपादित होता है। तो ये आज की जो एक दीदी ने कहा कि भट्टी, जो मतलब भट्टी का कि आप अपने आप को उसमें 3 दिन के लिए तपा करके और परमपिता परमेश्वर बाबा जी की जो शिक्षा है, बाबा जी की जो आत्मा है उससे अपने आप को मिला करके इस समय जो चल रहा है, जो विश्व में हो रहा है उसमें ईश्वर स्वयं तो नहीं आ पाते हैं, लेकिन आप जैसे लोगों के रूप में अपने अभी बोला कि अपने कुछ अंश भेज करके आप जैसे लोगों के रूप में यहाँ पे अवतरित करते हैं, मैं सबको नमन करती हूँ। और मुझे इस योग्य समझा कि आप जैसे साधक गणों के बीच में, साधक और साधिकाओं के बीच में मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या बोलूं, हम लोग राजनीति में बोलते हैं पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, लेकिन जब इस तरह के मंच पे आते हैं तो शब्द विहीन हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग पूरा सत्संग करते हो, पूरा ध्यान लगाते हो, पूरा काम करते हो, हम लोग इतना नहीं करते हैं, लेकिन इसमें आस्था पूरी है और इसका थोड़ा सा इस्तेमाल तो मतलब मैं स्वयं भी अपने उसमें करती हूँ।
और इसके लाभ और इसका समाज और लोगों के प्रति जो आप लोगों को यहाँ पे करके आप निकलेंगे, आत्मशुद्धि करके निकलेंगे और लोगों को दीदी ने जैसे बताया कि और लोगों को भी बताएंगे, मैं सभी के प्रति अपने हार्दिक उद्गार इस विश्व को, अपने भारत को बहुत ही ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। और जब यहाँ पे थोड़ी देर बैठी तो मुझे लगा कि मुझे भी 15 मिनट सही यहाँ पे देना चाहिए, जो सारे दिन हम लोगों को भाग दौड़ और काम करने होते हैं उसके लिए अलग से ही एक ऊर्जा यहाँ पे प्राप्त होती है। मैं फिर से दीदी को अपने स्नेहिल अभी मुझे हाथ से पकड़ के लेके आई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा और लग रहा था उनकी जो तपस्या वो मेरे अंदर प्रवाहित होती चली जा रही करंट के रूप में मेरे अंदर। मैं फिर से आभार प्रकट करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। एक बहुत ही पवित्र कार्य के लिए आए हैं, मैं उसमें आप सब लोगों को सम्मिलित करते हुए, मैं अपने आप को भी सम्मिलित करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। ओम शांति।